भी पटक सन्नाटा हो गया, माँ के रोड़ा हो गया। अचानक मैंने पता चला कि इसी तरह यशपाल डांगी और तमाम लोग मिलकर पूरे एक ऐसा मिशन इनने ठान लिया है कि हरियाणा में लटका देंगे। और इनने गाड़ दिया, मेरी आंख खुल गई, मगर भाई ईप चे बम्बई छोड़ना पड़ो आड़ा हुआ। यशपाल भाई जी चरण में आता हूँ, पाचा पाचा लग गया, मैं कुछ बोल दिया करूँ, फिल्म करनी होगी, फिल्म करांगे ना यशपाल, इतनी बड़ी फिल्म कर रहा है पंडित लक्ष्मी चंद जी। और उसमें और यो मैं इसने कहूँ ये तपस्वी आदमी है, यो दूसरा योगी आदित्यनाथ है। ये बड़े कर्मठ लोग हैं, ये जितने भी जुड़े हैं ना, कहाँ गए रे सारे, वो कहाँ गया डांगी, अच्छा पिछड़ गया, सॉरी सॉरी। एक यो खड़ा देखने में वो लगा गुंगू टाइप, मतलब बोल लगा नहीं बोल लगा कोई हिसाब किताब नहीं, पर इतना कर्मठ और इतना इंटेलिजेंट आदमी है जिसकी जितनी तारीफ करी जाए वो कम है। सारी टीम की तारीफ करूंगा मैं। और ये जो हिफ का जो फंक्शन हुआ है वो तो बस मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा इतिहास है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और इससे बड़ी कोई चीज मेरी लाइफ में हो नहीं सकती। ये ओमपुरी साहब का जो उनके नाम से अवार्ड दिया गया है, ये मेरे लिए हरियाणवी फिल्म अवार्ड के से भी बड़ा ऑस्कर है मेरी जिंदगी का। जो इन भाइयों के हाथ मिला, और ये भाई मैंने जब भी कहा ये भाई आ जा, मैं चुपचाप आ लूंगा, कित खड़ा होना, के करना है के नहीं करना वो करांगे, मिलजुल के करांगे। बंबई में सलाम कर देंगे, कोई जरूर नहीं है बंबई में आड़े थे बंबई, इसने बंबई बनावांगे और आड़े थे बंबई पहुंचेगा सारा सौदा। क्या बात, क्या बात, अब पहुंचा लग रहा है। यो देख बहुत बड़ा स्टार सीमा जी, और है कोई ना कोई, अच्छा वो आप अपने बड़े भाई अखिलेंद्र मिश्रा जी बैठे, ये देखिए आए, इनका भी कोई भरोसा नहीं, बिहार से हैं पर हरियाणा भी लग जा करिए बोलने लग जा। हाँ बोलने लगे, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे हित और पूरे दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, और मैं ठीक हो जाऊं, ठीक हो गए फिर।